और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल जनों पर दहेज प्रथा का आरोप लगाया है। महिला का नाम शबनम है। बता दें शबनम की शादी अख्तर के साथ 4 महीने पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद रिश्ते में घरेलू विवाद होने लगे। वहीं शबनम ने पति अख्तर पर दहेज प्रथा का आरोप लगाया है, साथ ही ससुराल जनों पर भी मुकदमा दर्ज कराया है। शबनम का आरोप है कि पति और ससुराल जन उसे मारते पीटते थे और घर से बाहर निकाल दिया। वहीं पति अख्तर का आरोप है कि दूसरे के भड़काने पर उनकी पत्नी ने उस पर दहेज प्रथा का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कराया है। क्या है पूरा मामला, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए प्रयागराज जनपद से संवाददाता वैभव यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बबुल्ले। बबुल्ले जी, आपके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा हुआ है, क्या मामला है? मामला यही है सर कि मतलब वो लड़की आई थी बीही वाली तो हमारे खिया रही 2 रोज। ओकरे बाद ये लड़का लिहन खिलाई रचे, लड़का खिलाने में मतलब कजिया कबाहत इनकी औरत मचा लिए। जब मचा लिए तो मतलब हम काम पर गए थे तो हुआ समावा तो मतलब यहाँ पे डाटा कि काहे कजिया लड़ाई की है तो कहाँ लड़का खिला लिया यही बिना। तो उनकर भाई पहुँचे अपने बहनी के जबर जाती खींच के ले आए ना अपने घर। पहली बीवी का बच्चे थे उसको खिला रहे, वो का खिला लिहन। अच्छा, वही बात मतलब कजिया लड़ाई इन पीछे की है। अच्छा हाँ, ये बताइए आपकी बीवी आप सबसे मतलब बच्चे खिलाने के लिए का विवाद होता तो दहेज प्रथा का मुकदमा कहाँ तक? हाँ, यही तो मैं भी सवाल रखना हूँ आपसे कि बात तो बच्चे की थी जी, तो फिर दहेज प्रथे का सवाल आया कहाँ से? सही है, उसके बावजूद दहेज प्रथे में ये लोग अपाची गाड़ी लिखाए हैं जबकि एक भी चम्मच नहीं मिला है। एक भी चम्मच नहीं मिला है, उछाल ली है। उसके बावजूद भी ये लोग ननद भौजाई दोनों आदमी हमसे मिल के मारपीट भी किए। अच्छा। सही है, मारपीट करने के बावजूद भी ये लोग गए चौकी पे लिखाए, ये सब उसकाने पे हुआ। अच्छा। ये ननकू के बेटवा मोहम्मद ये दोनों आदमी मिल के सब कुछ कराए। अच्छा, बताइए आपकी जब पहली बीवी किसी और के साथ में कहीं पर भी चली गई तो जब आपकी ये दूसरी शादी हुई जी, दूसरी शादी कितना दिन चला आपका? हमारा ये चला तकरीबन 3 से 4 महीना। अच्छा, हाँ। उसके बीच में विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? विवाद यहाँ से उत्पन्न हुआ, ये जब पहली बीवी आई यहाँ पे तो मैं काम पे गया था। अच्छा। काम से तकरीबन 5:30 से 6 बजे तक मैं घर पे आया तो मैं बड़े भाई के घर पे आया। हमारा जो बड़ा लड़का है वो बच्चे को खिला रहा था। अच्छा। वो हमारा बड़ा लड़का हमको देखते ही, अच्छा, बच्चे को आप खिला रहे थे इसीलिए सब हुआ? हाँ। जी, तो क्या हुआ कि हमारा बड़ा लड़का खिला रहा था हमको देखते ही वो हमारे कोरा में डाल दिया। अभी मैं बच्चे को छोड़ता हूँ तो ज़मीन में गिरता है, पकड़ लिया, इसके लिए मैं गुनहगार हूँ। पहली बीवी कितने बच्चे थे? पहली बीवी से 6 बच्चे। 6 बच्चे, 6 बच्चे में तो आपकी बीवी गई थी तो बच्चे भी लेकर गई थी? जी जी, एक बच्चे लेके गई है। अच्छा, जो आपकी पत्नी है आपके ऊपर मुकदमा दहेज प्रथा का लगाई है, तो आप उसे रखना चाहते हैं कि वाकई में आप लोग दहेज की मांग कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं उसको घर से निकाला भी नहीं, उसको मारा भी नहीं, गाली भी नहीं दिया, पीटा भी नहीं, उल्टा ये लोग हमसे मारपीट भी किए, जाके लिखाए भी, मुकदमा जारी भी किया। मैं अभी ना चौकी पर गया, ना थाने पर गया, कहीं भी नहीं गया। कि आप रखना चाहते हैं? जी, उसको तो मैं अभी भी रखना चाहता हूँ। अभी वो लोग अपने मर्जी से लेके गए, हमारे घर से ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के लाए, अपने घर पे यहाँ किराया लेके मकान पे रहते हैं जी। ठीक है, यहाँ लेके कुछ दिन थे, तकरीबन 10 दिन। उसके बाद यहाँ से हम लोगों से चोरी से लेके गए। क्यों लेके गए भाई? आपका नाम क्या है? हमारा अख्तर। जी, अच्छा, जो आपकी दूसरी शादी हुई उनका क्या नाम है पत्नी के? सितारा। दूसरी पहली? अच्छा, जो दूसरी शादी हुई है? शबनम नाम है। चाचा जी आपका क्या नाम है? बन्ने। अच्छा, ये बताइए कहाँ क्या मामला है दहेज प्रथा का, आप लोग क्यों अपने बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं? यही मामला जो है साहब, यही मामला रहा। अच्छा, तो जब शादी किए थे तो आप लोगों को कुछ दहेज मिला था? एक सम्मान नहीं मिला है। अच्छा, तो शादी के बाद दहेज कहाँ से मांगने लगे आप? दहेज शादी के बाद दहेज कहाँ से मांगने लगे आप? कहूँ नहीं मांगा दहेज, आप नहीं मांगे? आप सबके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा लगा हुआ है? हाँ, लेकिन दहेज हमने नहीं मांगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ में? बस वही लड़का के पीछे हुआ,
हाँ आई हम ननकू के ननकू पे तो बाबू उछाल लेते हैं ननकू दुश्मनी पहले भी रही मोहम्मद उछाल लेते हैं। अच्छा क्या मामला है जो दहेज प्रथा का आपका भी नाम दहेज प्रथा में आपका भी नाम डाला? हमारा नाम शहजादी बा हमारे नाम से एफ आई आर करे हैं साहब। अगर हम दहेज मांगे के हो तो हम इस गरीब को शादी न करी। हम भी गरीब वो भी गरीब हम शादी किया एक चम्मच नहीं मांगा और न हमारा देवर कोई गाड़ी नहीं चलाता अपाची नहीं कोनो भी गाड़ी नहीं चलाता गांव से पता कर सकते हैं एक तुहिन नहीं चाहे जैसे पूछ ला। और हम अपने पास से 10 किलो चावल सोनम के दिया कि लड़की के शादी है एक तेल मसाला कुल है इज्जत सबके बराबर होता है। ओकरे बाद मसाला मुर्गा के पैसा दिया गा वहाँ दरे हम 2 जोड़ा कपड़ा लेके गए निकाह पढ़ाई के लेके आवा एक खेत चम्मच नहीं दिहन। अच्छा बताइए शादी के 3rd-4th महीने बाद से ही ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? यही बात है कि लड़का जोन छुई लिए हमारे देवर जबकि ये नहीं कि लड़का है तो हम यो कहा कि यार तू लड़का से जलन करता हो काल जवान हो जाए तू लड़का अपने हक पर आ जाए तब का करबू तो कहीं कि टांग पकड़ के फाट डाऊ। अच्छा यानी अच्छा ये जिन्होंने दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज कराया है जो इनकी पहली वाली बीवी थी उनके बच्चों से इनका जलन है क्या? हाँ जी जी बिल्कुल जी। अब मोहम्मद ननकू का लड़का ये हमारे झगड़ा में वो जबरदस्ती जाए के FIR कराया। अच्छा हाँ ये हमारी दुश्मनी रहा यही में दुश्मनी वो साधन। अच्छा आप बताइए आप उसे रखना चाहती हैं? हाँ आप लोगों ने मारा पीटा नहीं दहेज के लिए कुछ है? कुछ नहीं हाथ से छुए नहीं साहब हम झगड़ा में गई नहीं रहे ये पे हम कसम खाए सकी थे जी। तो भी आप ये बताइए तो अगर आपकी पत्नी तो आप अपने पत्नी से बात कर रहे हैं फोन पे बात होती है उनसे आपकी? सर वहाँ का मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। हेलो आप मेरा मोबाइल इधर है आप पता कर सकते हैं। जो आपकी दूसरी पत्नी है उसके पास मोबाइल है? हाँ उनके पास तो है। आपसे उनसे बात होती है? नहीं हमसे बात नहीं होती ना तो बात कराते हैं लोग नंबर ही नहीं दिए हैं। हाँ जब चोरी से मेरे चोरी से हमारी ही औरत को वो लोग लेगा नैहर में ले जाके छोड़ दिए किससे पूछ के ये हमको भी तो मालूम होना चाहिए ना सर। दूसरी बात ये है कि हमारी जो औरत है ये दूसरी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ना हमने किसके लिए शादी की है? बताइए जो आपकी दूसरी बीवी पहली बीवी जो थी पहले कहीं चली गई थी अब जब दोबारा वापस आई है कहीं आप उसे तो नहीं रख रहे हैं? कोई चांस ही नहीं है उसको मैं क्यों रखूँ वो कौन है जिसके साथ हमारा निकाह हुआ है हम उसको जानते हैं कि उसको जानते हैं वो कौन है? सर दोबारा वापस आपके घर पे वापस आई थी? नहीं कहाँ पे है कुछ जानकारी है आपको? ये हमको नहीं मालूम है। अच्छा हाँ यानी आपको पहली पत्नी से कोई संबंध आपको कोई रिश्ता भी नहीं? कोई रिश्ता नहीं है हमारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पहली पत्नी यहाँ पे आई होगी और आप लोग रखने की बात कर रहे होंगे? नहीं नहीं ऐसा कोई कुछ बात हो जी ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ। यानी जो मुकदमा हुआ है वो ये गलत है टोटल गलत है सर। आप अपने पत्नी को रखना चाहते हैं? जी हम रखना चाहते हैं ये लोग अपने मर्जी से लेके गए। तुरंत हम ले आई